क्या बात है, बधाई हो, BGMI फिर से बैन हो गया है। वाह क्या बात है दोस्तों, अभी न्यूज निकल के आया है, ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ इसके कुछ ही मिनट पहले आया है कि BGMI बैन हो चुका है, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटा दिया गया ऐप। जैसे पहले गरीना फ्री फायर हटाया गया था वैसे इस ऐप को भी हटा दिया गया है। इसके तीन बड़े मेजर ये बताए जा रहे हैं, वैसे अभी ऑफिशियली निकल के नहीं आया, बट अभी तीन एक बहुत बड़ा जो रिसेंटली न्यूज में BGMI था। पहला तो ये था कि अभी कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट में आवाज उठाया गया था कि जो BGMI गेम है वो सेम पबजी की तरह है, क्योंकि उसके अंदर टेस्टेंट भी लिखकर आता था, क्योंकि क्राफ्टन वगैरह तो वहां पर हर चीज लिखकर आता था, बट क्राफ्टन ही एक इसका वो है प्रोडक्शन है, बट वहां पर टेस्टेंट वगैरह दिखाई देता था, तो इसलिए वो चीज आवाज उठाई गई है कि BGMI वो एक पबजी गेम है, बस नाम पर बदला है बाकी काम सेम ही कर रहा है। दूसरा यह है कि लखनऊ के न्यूज अभी एक आया था रिसेंटली में कि एक लड़के ने अपनी माँ को गोली मार दिया था, और एक जो वजह बताया था कि वो लड़का बहुत ज्यादा गेम खेलता था BGMI के नाम से, बट दोस्तों ये न्यूज निकल के आई थी, बट ऐसा मुझे नहीं लगता क्योंकि उस न्यूज में या बाद में मैंने देखा था तो वो भी कवर किया गया कि वो नाम को बस ऐसा गलत फायदे के लिए उठाया गया था, वो लड़का कोई और काम किया था, कोई और वजह था, बट BGMI गेम जानते हुए बदनाम कितना है, खासकर जब उनके लड़कों और जो पेरेंट की बात आ जाती है। तो जो तीसरा रीजन है वो है कि सिक्योरिटी, जैसे कि इससे पहले भी ये गेम सिक्योरिटी के नाम से बैन किया गया था कि जो हमारे जो भी सिक्योरिटी है या फिर जो पर्सनल वाली इंफॉर्मेशन है ये लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, बट क्या यही एक सॉल्यूशन है इस गेम बैन करना, हमारी जो सेफ्टी को बढ़ा देना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है, और अगर ये जो भी सारे जो गेम जो बड़े बड़े नाम और गेम बैन होंगे तो इंडिया गेमिंग इंडस्ट्री में पीछे होते चले जाएगी। यू नो जैसे कि आप जानते हो कि ऐसा जो गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा ग्रो कर रही है और ग्रो भी करने वाली है और भी फ्यूचर में, और अगर ऐसे गेम बैन होते रहे इंडिया में तो पीछे हो जाएगी। पर्सनली मैं कोई यहाँ पर सफाई देने नहीं आया, बट मैं आपको एक अपडेट करने आया था कि क्या वजह हो गई है जो कि ये गेम बैन हो गया। अभी और भी वजह निकल सकती है, बट अभी फिलहाल इतना ही बात पता लगा है कि क्या वजह हुआ है, एंड इसलिए आज मैं अगेंस्ट बोल रहा हूँ इसके बैन होने की, क्योंकि यार ये एक सोल्यूशन नहीं है। हर एक टाइम देखो हर एक चीज का गलत और सही उपयोग किया जाता है, बट वही चीज है ना, ऐसे देखा जाए तो चाइनीज मोबाइल जो भी जितने ब्रांड है उसको भी बैन कर दो, बट यही है। आई होप आपको चीज मेरी क्या मोटिव था आप तक बात पहुंचाने के लिए आप समझ गए होंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अपडेट के लिए आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।